हाँ जी बिल्कुल, मानना पड़ेगा, चाहे पाकिस्तान गवर्नमेंट का हो चाहे हिंदुस्तान गवर्नमेंट का हो, दोनों ने ही मिलके स्टेप लिया था। तो देखो गाइज, यहाँ पे अपने को कुछ और लोग मिले पाकिस्तान की तरफ से, तो अपना आप इंट्रो दे दीजिए एक एक करके। अरे हेलो, क्या हाल है आप लोग के? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा, जी हाँ मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान। तो मैं पाकिस्तान में कहाँ जा रहा हूँ? मैं पाकिस्तान में जा रहा हूँ करतारपुर साहिब। तो मैंने इसके लिए बहुत पहले से अप्लाई करके रखा हुआ था, बट परमिशन आ नहीं रही थी। अब फाइनली परमिशन आ चुकी है, तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। और वैसे इसकी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप लोग भी वहाँ पे जा सकते हैं। इसके लिए कोई किसी भी वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, जिसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, आई बिलीव 6 मंथ्स तो होनी चाहिए। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वहाँ जाने के लिए, फिर वहाँ से आने के लिए क्या आप ले जा सकते हैं क्या आप नहीं ले जा सकते, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बाकी इस वीडियो को देखिए, काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली। भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए। तो मैं निकल चुका हूँ अब एयरपोर्ट के लिए। यहाँ से जाऊँगा मैं अमृतसर, फिर वहाँ पे मैंने अपना हॉस्टल बुक कर रखा है, फिर वहाँ से नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग निकलूँगा करतारपुर साहिब के लिए। अब देखते हैं कि वहाँ से क्या कैब जाती है या फिर कोई बस जाती है, जो भी होगा बेसिकली वो मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊँगा। तो एंड तक देखना ब्लॉग को, काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। मेरे लिए भी बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि पहली बार जा रहा हूँ, बहुत टाइम से इसके लिए यार अप्लाई कर रखा था मैंने, बट देखते हैं क्या होता है कैसा रहता है, सब बताऊंगा इसमें। स्टे ट्यून्ड। दिल्ली तो पहुंच चुके हैं अब, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक मिल रहा है। अब डर ये है कि कहीं फ्लाइट मिस ना हो जाए। वैसे तो दिखा रहा है 30 मिनट्स इसमें अब, लेकिन ये ट्रैफिक अच्छा खासा मिल रहा है जगह जगह पे। फ्लाइट है अपनी 9:30 बजे की और अभी हो रहा है 7:30। देखो आई होप वैसे पहुंच तो जाना चाहिए। लो जी गाइस, फाइनली पहुंच चुके एयरपोर्ट। बस अभी पार्किंग पे जा रहा हूं मैं कि वहां पे कार पार्क कर दूं, फिर उसके बाद जाता हूं टर्मिनल में, देखता हूं कौन सा गेट नंबर पे जाना है मेरे को। गाइस फाइनली मैं आ चुका हूं पार्किंग में, कार मैंने पार्क कर दी है, अब चलता हूं टर्मिनल के अंदर। ऑलरेडी काफी लेट हो गया है, देखें क्या 8 बज चुके हैं। चलो फटाफट चलते हैं यार, लेट नहीं होना, फ्लाइट मिस नहीं होनी चाहिए बस किसी भी हालत में। आ रहा हूँ टर्मिनल के अंदर, तो ऐसे मेरे को पता भी नहीं है कि आएगा। चलो किसी से पूछता हूँ कि कहाँ पे है टर्मिनल, फटाफट पहुंचा जाए यार, 8:10 हो गए हैं ऑलरेडी। यहाँ पे तो कोई नहीं है जो बता दे। अभी एक CISF के जवान से पूछा था मैंने कहाँ पर है, तो इधर आगे की तरफ बता रहे हैं। देखो फटाफट पहुंच जाए बस अब हम। पता नहीं क्यों यार मेरे को काफी सारे लोग स्माइल पास करते हुए चल रहे हैं, मे बी जस्ट बिकॉज मेरे हाथ में कैमरा है, आई डोंट नो।
अच्छा है यार, बढ़िया लग रहा है यार। पहले वॉशरूम जाया जाए यार, बहुत देर हो गई यार। ड्राइव करते करते हालत खराब हो चुकी है मेरी। फटाफट पहले वॉशरूम जाया जाए, फिर देखते यार। एटीएम भी है यहाँ पे, पैसे भी निकालने थे। टॉयलेट्स इस तरफ, वॉशरूम है मेरे टर्मिनल टू में। तो मैं आ चुका हूँ बस यहाँ पे, लेकिन वीडियोग्राफी के लिए मना कर रहे हैं, तो मैं सीधा फ्लाइट में दिखाता हूँ आपको क्या होता है। यार एक गड़बड़ हो गई है यहाँ पे आते ही। मैं एक तो लेट हो गया थोड़ा, और उसकी वजह से मेरी फ्लाइट मिस हो गई है। अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई नेक्स्ट फ्लाइट जो है वो है सुबह 7:40 की, और जो इसमें जो मेरा अमाउंट था उसको भी रिफंड कर नहीं रहे हैं। उसमें ये खाली कह रहे हैं कि आपको सिर्फ टैक्सेस रिफंड हो गए और बाकी का अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा नेक्स्ट फ्लाइट के लिए। तो अब देखो, और ऊपर से इसमें ये भी हुआ कि जो मैंने हॉस्टल बुक कर रखा था उसकी भी बुकिंग मेरी ख़राब हो गई, क्योंकि वो तो सिर्फ आज के लिए ही था। अब मैं कल सुबह पहुंचूंगा तो बेकार ही है फिर अब वहां पे जाना। अब क्या कर सकते हैं, अब जाना तो है ही भाई। इतने टाइम से प्लानिंग कर रखी थी यहाँ जाने के लिए, अब जो भी हुआ थोड़ा बहुत नुकसान अब सह लेंगे थोड़ा सा, क्या कर सकते हैं। इसी की वजह से मैंने कोई भी होटल वगैरह नहीं लिया यहाँ पे। मैंने वही सोचा कि भाई मैं यहीं पे टाइम काट लूंगा अपना, जो भी थोड़ा बहुत है, कुछ घंटे ही तो काटने हैं यार, यहीं रह लेते हैं, होटल वगैरह करेंगे, काम का थोड़ा बहुत और खर्चा हो जाएगा। फिर ऊपर से यह है, फिर एक और रिस्क है कि अगर बाई चांस दोबारा से लेट हो गया तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो भाई बेटर है कि 2-4 घंटे की बात रह गई है अब तो यहीं पर रह लेता हूँ, तो जिससे कि मैं 4 बजे या 4:30 बजे जाके मैं चेक इन कर लूँगा, तो उससे फिर फ्लाइट भी मिस नहीं होगी और कोई रिस्क लेने का कोई चांस भी नहीं बचेगा अपने पास। तो गाइस, तो हम बैठ चुके हैं यहाँ पे गाड़ी में, हमने टैक्सी कर ली थी और ये भैया लेकर जा रहे हैं हमें। बहुत स्वीट से भैया हैं, भैया नाम बता दो अपना। अच्छा रवि नाम है आपका? अच्छा मेरा भी निकनेम रवि है वैसे, वैसे तो ऑफिशियली अभिषेक कहते हैं पर हाँ निकनेम मेरा रवि है। अच्छा तो वैसे कहाँ से बिलोंग करते भैया? अमृतसर से। मेन एयरपोर्ट? अच्छा मेन वहीं से। अच्छा अच्छा तो और बताओ यहाँ के बारे में कुछ, इधर का आपको तो ज्यादा बेहतर पता होगा हमसे, क्योंकि हम तो यहाँ के हैं नहीं। पता भी आपको, आप तो घूमने आए हो। हाँ पर इतने पर अब इसीलिए तो आए हैं, पता लगाने तो आए हैं। अभी सीधा करतारपुर साहिब पे जा रहे हैं। हाँ
बहुत बढ़िया है, मतलब गुरुद्वारा है इधर, गुरु नानक देव जी के मतलब समाधि जो समाधि हो गए थे, समाधि समाधि थी वो लोप हो गए थे, पता नहीं चला गुरु नानक देव जी का। अच्छा लुप्त हो गए थे। लुप्त हो गए थे। अच्छा वो एक साइड में गुरुद्वारा ग्रंथ पड़ा है, एक साइड में वो कहीं पड़ी है समाधि पड़ी है पाकिस्तान में। अच्छा। आसपास में सामने ही है। मैंने ऐसा भी सुना है कि इनके पीछे कि बाद में विवाद हुआ था कि भाई इनको कि जैसे हिंदू धर्म के हिसाब से जलाया जाएगा या फिर मुस्लिम धर्म के हिसाब से दफनाया जाएगा, कि ऐसा भी हुआ था। ऐसा हुआ था तभी तो सुने भी, मतलब लोप हो गए थे नीचे से। अच्छा चादर थी ना, चादर से नीचे है ही नहीं थे। अच्छा उनका शव नहीं मिला, उनको वो नहीं मिला, शरीर नहीं मिला। अच्छा इसलिए आधी चादर हिंदुओं ने ले ली, आधी मुसलमानों ने, आधी चादर सिखों ने। To the mountain near, and soon, my friend, you'll see them again. The ones you left behind, the ones you left behind, and I'll sing for you. ये है इमिग्रेशन बिल्डिंग जो सामने दिख रही है। लो जी आ चुके हैं करतारपुर कॉरिडोर। तो जी तो यहाँ पे सारी फॉर्मेलिटीज हो गई हैं जो गेट पे होती हैं। इन्होंने मेरा ETA चेक किया और कोविड की रिपोर्ट चेक करी। और हाँ यहाँ पे एक और इशू है कि भाई कोविड की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता, कोविड की वो टेस्ट चाहिए होता है RT-PCR। तो यहाँ पे मैंने करवा लिया था, ये पे एक सरकारी हॉस्पिटल है, उन्होंने कर दिया था। खाली 10 रुपीज लिए थे और इजिली हो गया, तो कोई परेशानी नहीं थी। यहाँ पे मेरा पासपोर्ट चेक किया, ETA चेक किया, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी चेक कर लिया था। तो फाइनली करतारपुर साहिब आ चुके हैं हम, मतलब करतारपुर साहिब नहीं है, करतारपुर कॉरिडोर है अभी, अभी आगे जाना बाकी है। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स वगैरह अलाउड नहीं होती है कि मैंने ऐसा सुना है। तो जैसे ही मैं उस पार जाता हूँ फिर वहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ, तब आपको दिखाता हूँ। तो अभी फटाफट चलते हैं, भैया भी वेट कर रहे हैं वो। लो जी गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे। तो बस 0 पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। ये देखो ऐसा है कुछ, ये 0 पॉइंट। लो जी पाकिस्तान एंटर कर लिया हमने। जी भैया पूछ रहे थे। हाँ मैं भैया मैं ना जॉब करता हूँ इधर नोएडा में, प्राइवेट कंपनी में। अभी आया हूँ यहाँ पे दर्शन करने के लिए। अच्छा यही है जा मतलब गुरुद्वारा? अच्छा ये इमिग्रेशन है, तो यहाँ पे जाना होगा अभी अपने को? अच्छा फिर यहाँ से भेजेंगे मेरे को। आप पाकिस्तान से? कौन सी जगह? डिस्ट्रिक्ट नारुआ। अच्छा ये तो सुना नहीं। अच्छा डॉलर भी यहीं मिलेंगे? गाइस देखो पाकिस्तान में आ चुके हैं हम और ये बस खड़ी है, इसी बस में जाना है अपने को। अभी एक दो और सवारी का वेट कर रहे हैं जो कि इंडिया की तरफ से आनी है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है इमिग्रेशन बिल्डिंग जो मेरे पीछे है। इससे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके और एक ये ID कार्ड मिलेगा जिससे कि आप पाकिस्तान में एंटर कर सकते हो, मतलब अपनी यात्रा कर सकते हो बाबा जी के वहाँ पे। और बाकी ये यहाँ पे खेत वगैरह हैं, ये सारा खाली एरिया है।
अगर दिखाऊं तो। ये बस है, अंदर से कुछ ऐसी दिखती है और इसमें जाना है अपने को गुरुद्वारे तक। तो अभी ये वेट कर रहे हैं कि जो इंडिया की तरफ से और भी लोग आने वो आ जाएं, तो उसके बाद में इस बस को लेकर जाएंगे। अच्छा, इसमें एक गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि मेरे को जब मैंने करेंसी एक्सचेंज कराई है यहाँ से, तो मेरे को $20 देने थे यहाँ पे, जो गुरुद्वारे की जो फीस होती है यहाँ पे आने की। वो तो बेसिकली जो फीस होती है वो ऐसा नहीं है कि मतलब गुरुद्वारे जाने की है, वो जो फीस ऐसी है जो ये ट्रांसपोर्टेशन आपको पाकिस्तान प्रोवाइड करेगा, जैसे कि जो बस सर्विस होगी, इमिग्रेशन चेक होगा और जितना भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो बनाते हैं आपके लिए, वो प्रोवाइड करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, ये उसके $20 फीस लेते हैं। और वैसे ऐसा कोई ज़्यादा भी नहीं है कि भाई ये $20 बहुत ज़्यादा लेते हैं, मेरे से खाली 2,080 रुपये लिए हैं इन्होंने इसके। तो ठीक है यार, 2,000 रुपये इतना भी माड़ा नहीं है, दे सकता है कोई भी अगर वो यहाँ आना चाहता है तो। बहुत सही है यार, लोग बहुत सही हैं यहाँ के, अभी तक जितने भी मिल रहे हैं तो अच्छे लोग हैं। और बाकी उन्होंने ये भी बताया कि जो नोट अगर आप लाते हो या फिर इंडिया की तरफ से करेंसी लाते हो, तो वो आप वॉश हुआ हुआ नहीं होना चाहिए, वो आपका जो भी करेंसी होगा, चाहे वो डॉलर होगा या INR होगा, वो वॉश हुआ हुआ नहीं होगा, कहीं से कोई भी टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए नोट, बिल्कुल एक साफ सुथरा नोट लेकर आना, अदरवाइज फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, नहीं तो फिर यहीं से एक्सचेंज कराना पड़ेगा। जी गाइस, एंटर कर रहे हैं अभी गुरुद्वारे के अंदर। तो खांसी हो गई मेरे को, तो यहाँ से जा रहे हैं। अब ये देखो, रिकॉर्डिंग के लिए कहीं कुछ ना बोले। तो जी गाइस, फाइनली अंदर आ चुके हैं, प्यास लग रही है बहुत तेज, तो पहले पानी पी लिया जाए, उसके बाद बाकी काम करेंगे। सो लो जी गाइस, मैं जा रहा हूँ अभी गुरुद्वारे के लिए। वैसे यहाँ से भी जा सकते हैं सेंटर से भी, बट मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है और मार्बल बहुत ज़्यादा गर्म है, पैरों का पराठा बन जाएगा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से गुरुद्वारा साहिब अंदर, मैं सेंटर से ही आ गया, मैंने कहा वीडियो भी शूट करनी है तो प्रॉपर वहां से हो नहीं पाएगी क्योंकि अच्छा खासा डिस्टेंस हो रहा था। तो जो यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको, thank you.
शायद यहाँ से रास्ता नहीं है, रास्ता शायद दूसरे साइड से है, जा रहे होंगे वहां तक। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। कहाँ से आप? यहीं से? यहीं से, करतारपुर से। अच्छा चलिए ठीक है, चलो दर्शन करते हैं। हाँ जी, रुमाल में लाया नहीं, मैं भूल गया, अंदर से मिल जाएगी? ठीक है, हाँ ठीक, ओके। यार बढ़िया लोग है यार यहाँ पर, तो बहुत प्यार से बात करते हैं, एकदम मोहब्बत से। जी बिल्कुल आती है, मतलब बोल नहीं पाता मैं, बस समझ में आती है मेरे को। दर्शन कर लो, फिर ऊपर चले। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया। तो जी यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, हम ऊपर भी देख सकते हैं कि ऊपर भी मतलब अरदास करी जाती है। चलो अभी ऊपर चलते हैं, ये शायद टेरेस है ऊपर मेरे ख्याल से। वैसे अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, बट मैंने उनसे पूछा जो अरदास कर रहे हैं कि क्या मैं कर सकता हूँ रिकॉर्डिंग, तो उन्होंने मेरे को परमिशन दे दी। यार ये लॉक्ड है, मतलब ऊपर नहीं जा सकते। कोई नहीं, यहाँ से दिखा देता हूँ मैं तब भी आपको कि यहाँ पे क्या क्या है और कैसे है और क्या व्यू दिखता है यहाँ से।
तो ये देखो, ये जो यहाँ पे दिख रहा है वो चिन साहिब है, ये चिन साहिब है। यहीं पे बाबा जी अपनी मतलब खेती करते थे और यहीं पे अपने लिए मतलब सब्जियां वगैरह उगाते थे और यहीं पे उनका रहना था। चलो अब नीचे चलते हैं यार, गर्मी बहुत है यार, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, हालत खराब हो चुकी है अपनी तो। चलो अब यहाँ से निकल के जाते हैं। लंगर साहब किस तरफ है? शुक्रिया सरदार जी, इंडिया से। हाँ, वैसे मैं सरदार नहीं हूँ, मैं मतलब हिंदू हूँ। हाँ, मैं हिंदू हूँ। हाँ, मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, दिल्ली से। क्या बात है, क्या बात है, फिर तो मजा आएगा आपके साथ। हाँ जी, तो बताइए अपने बारे में कुछ बताइए। अच्छा, देखो गाइस, मेरे को यहाँ पे कुछ लोग मिले हैं हमारे, पंजाबी में ही उर्दू में, पंजाबी में बोल लीजिए, हिंदी में बोल लीजिए, उर्दू में बोल लीजिए, हमारे लिए वही है, उर्दू हिंदी एक ही बात है। अच्छा अच्छा जी, हम लोग लाहौर से आए हैं और बड़ी खुशी हुई है इधर इनसे मिलके। तो माशाल्लाह इधर काफ़ी गैदरिंग है और अच्छी इबादत गह चलें। ये इमरान खान ने, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो थे, उन्होंने बड़ा अच्छा ये स्टेप लिया कि चलें हर मज़हब के को, जिस तरह दीन इस्लाम में हमारे मज़हब में हर मसलक जो है वो अपने अकायद के मुताबिक, अपने मज़हब के मुताबिक इबादत कर सकता है। तो इसी तरह ये बहुत अच्छा उनका स्टेप था कि चलें उधर से भी सिख यात्री इधर आएँ और अपनी मजहबी रसूमात अदा करके वापस चले जाएँ। बहरहाल ये बहुत अच्छा जो है ना, ये स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। हाँ जी, बिल्कुल मानना पड़ेगा, चाहे पाकिस्तान गवर्नमेंट का हो चाहे हिंदुस्तान गवर्नमेंट का हो, दोनों ने ही मिलके स्टेप लिया था। ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों तरफ से बहुत प्यार है एक दूसरे मुल्कों के लिए। अगर हम बताएं ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान के लोग भी बहुत प्यार करते हैं पाकिस्तानियों से, पाकिस्तान के लोग भी बिल्कुल करते होंगे। मैं तो देखो पहली बार आया हूँ इस तरफ। अच्छा, अभी पाकिस्तान, इसीलिए मैं आना चाहता था, यहाँ पे लोगों से मिलना चाहता था। ये पता नहीं मेरे को कोई मिलता भी है या नहीं, क्योंकि आज थोड़ा सा मतलब मौसम भी ऐसे गर्मी भरा बहुत ज्यादा मौसम है इस वजह से। बट देखो आप लोग मिले, मेरे को बहुत खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई। मैं तो खुद कह रहा था कि कोई बंदा मिले हमें, कोई सरदार मिल जाए, कोई मिल जाए, कोई चले उनसे बात करें। बात ये है कि हम ठीक है इन 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 सरहदों को एक्सेप्ट करते हुए हम प्यार बांटें, मोहब्बत बांटें, मिलजुल के रहें, हम सरहदों पे ना एक दूसरे को जो है ना दिल से जुड़े, हम दिल से जुड़े एक दूसरे, दिल जुड़े हमारे, ठीक है ना, सरहदें ना जुड़े, ठीक है ना। बहरहाल इनको एक्सेप्ट करते हुए हम लोग जो है ना एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ अमन के साथ रहें, मैं तो यही शॉर्ट्स में से बात करूंगा। तो देखो गाइस, यहाँ पे अपने को कुछ और लोग मिले पाकिस्तान की तरफ से, तो अपना आप इंट्रो दे दीजिए एक एक करके। करें बात? हाँ करिए, बिल्कुल करिए। अस्सलाम वालेकुम, नाम बताओ। मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इरफान लाहौर से। लाहौर से। इमरान लाहौर से। हम सारे लाहौर से हैं। मेरा नाम बिलाल है। रजाक लाहौर। इसका नाम रजाक है। तो हम लोग क्या कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या फिर जॉब करते हैं या फिर बिजनेस है आप लोगों का? नहीं, हम कुछ जॉब करते हैं, दो लोग हम दोनों, ये दोनों बिजनेस हैं जॉब आपस में। अच्छा, बाकी आप लोगों का बिजनेस है? जी। अच्छा, किस चीज का बिजनेस? इलेक्ट्रिकल वर्किंग का। कराची में? लाहौर में। लाहौर में। अच्छा, कि मैंने सुना है कि यहाँ इलेक्ट्रिक मार्केट है, कि कराची में बहुत ज्यादा फेमस है, वो काफी बड़ी मार्केट है। लाहौर में भी है, कराची में भी है। तो एशिया की सबसे बड़ी। हाँ वही, जो एशिया की सबसे बड़ी है उसी की बात कर रहा हूँ। कराची में सुना है बहुत ज्यादा उसके बारे में, जाना तो कभी हुआ। बड़ी है वो, स्टॉक मार्केट, हर तरह की लंडा मार्केट, हर तरह की उधर मार्केट है, बड़ी मार्केट है। और की कराची की बिरयानी वर्ल्ड फेमस है, मैंने ये भी सुना है। नहीं, बिरयानी तो लाहौर की बड़ी कमाल की है, लादा बात है, उसका नाम पुलाव रख दिया। पुलाव रख दिया। वो तो उनके लिए हो गया। बिरयानी कराची की मशहूर है ना, कराची की बिरयानी बहुत ज्यादा मशहूर है। और खाने पीने में लाहौर है नंबर वन में, लाहौर है खाने पीने में। देखो गाइस, यहाँ पे गुरु नानक देव जी के यहाँ पे कपड़े दफन है, तो ये आप देख सकते हो। अब थोड़ा सा मौसम सही हो गया है और यहाँ पे झंडा साहिब है, तो अगर कभी आप लोग भी आओगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो और माथा भी टेक सकते हो।
मैं भी जा रहा हूँ माथा टेकने। तो गाइज अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे लंगर के लिए, ये लंगर साहिब है यहाँ पे, फिर इसी के जस्ट बैक साइड में मार्केट है कि वहाँ पे अगर कुछ खरीदना वरीदना है तो भी खरीद सकते हैं, अगर कुछ भी लेना है। अभी देखते हैं कि मार्केट कैसी है, एक तो धूप बहुत तेज हो रही है, अभी बीच में मौसम ठीक हुआ था फिर से मौसम ऐसा हो गया है गर्मी भरा। तो वैसे मैं सजेस्ट करूँगा अगर यहाँ पे आना है तो अगर मौसम थोड़ा सा जिसमें धूप ना हो तभी आया जाए, अदरवाइज बहुत गर्मी होती है, मार्बल बहुत ज़्यादा गर्म होता है। चलो मैं अभी जा रहा हूँ लंगर साहिब, मतलब लंगर हॉल के अंदर, अभी वहाँ पे लंगर खाते हैं तो बताता हूँ कि क्या सारा। अच्छा यहीं पे टॉयलेट्स वगैरह भी है, अगर आप कभी आओ तो आप लोग देख सकते हो कि सारी मतलब साइन बोर्ड्स वगैरह लगा रखे हैं कि अगर कोई भी बंदा आता है दूर से तो उसको किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होगी यहाँ पे। और अगर आप यहाँ से व्यू देखें तो एक नंबर का व्यू आ रहा है, इतना प्यारा है, इतनी शांति है यहाँ पे, ये शांति आपको कहीं पर नहीं मिलेगी, कहीं किसी भी शहर में शांति नहीं मिलेगी जो इस जगह पे अभी आपको मिल सकती है अगर आप यहाँ होते। मैं हूँ, मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे कितना मतलब सूदिंग लग रहा है मेरे को, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। तो ये वाली बिल्डिंग है, यहाँ पे है लंगर साहिब, यहाँ पे आप प्रसाद खा सकते हो। और यहीं पे अगर आप जाओगे इस तरफ तो यहाँ पे वॉशरूम है, अगर किसी को जाना है तो वो इधर जा सकता है जहाँ पे चेयर लगी हुई है। तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे लंगर साहिब के लिए, तो चलो चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये लंगर साहिब है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, तो ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। तो अगर आप यहाँ से आओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सारा लंगर तैयार होता है। हांजी, तो देखो गाइस अब मैं चाय पीऊंगा, ये यहाँ पे चाय भी मिलती है, बताता हूँ कैसी है। सही है, गर्म बहुत ज्यादा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट की तरफ, जो यहाँ पे एक मार्केट है। तो अभी मैं यहाँ से आया था, ये लंगर साहिब है, यहाँ पे आप लोग लंगर खा सकते हैं, प्रसाद मिलता है यहाँ पे। तो अभी मैं चलता हूँ मार्केट की ओर, ये एक शॉर्टकट है, बाकी एक जो बाहर से रास्ता जा रहा है आप वहाँ से भी जा सकते हैं अगर उस तरफ से आते जहाँ पे एंट्री पॉइंट है।
बाकी यहाँ से ये डायरेक्ट रास्ता एक शॉर्टकट है, इधर से जाया जा सकता है। ये जो सामने देख रहे हैं सारी मार्केट है यहाँ पे। तो ये मार्केट है यहाँ पे, और ये वैसे बुलाते रहेंगे अगर आप इनको देखते हैं, क्योंकि इन्हें टूरिस्ट देखते हो आप, तो बुलाते रहेंगे कि आ जाओ कुछ ले लो, कुछ तो ले लो। तो बस छोटी सी मार्केट है वैसे तो, ज़्यादा कुछ नहीं है, कि देखते हैं कुछ समझ आता है तो लेंगे, बाकी कोई है भी नहीं, कोई और टूरिस्ट भी नहीं दिख रहा इस वक्त यहाँ पे। मे भी धूप बहुत ज़्यादा हो सकता है इस वजह से भी। मेरे को कड़ा लेना था, कड़े की शॉप नहीं दिख रही, शायद ये है कड़े की शॉप। सत श्री अकाल जी, कड़ा लेना था। है सोवेनिर है, फ्रिज मैग्नेट ये पड़े। करतारपुर पाकिस्तान, ये पाकिस्तान 300 के, हाँ भाई 200 के हिसाब से जैसे मैंने बताया। तो ये है पाकिस्तान 300, ये पाकिस्तान 200, पाकिस्तान 500 रुपए, लगभग 185 रुपए। ठीक है, अच्छा कड़े ये हैं आपके पास हैं? ये पीतल के हैं। ये काले नहीं पड़ेंगे? ये इसको अकाई लगती है जैसे, अच्छा वो जो साफ करनी पड़ती है बोतल की तरह। अच्छा, कपड़े के साथ भी करेंगे चमक पड़े। अच्छा दिखाना है इसमें से कोई मेरे लायक? तो मैंने यहाँ से कड़ा ले लिया है और दो सोवेनियर ले लिए हैं, एज अ सोवेनियर क्या कहते हैं उनको, फ्रिज मैग्नेट्स। तो टोटल बिल हुआ है INR के हिसाब से 410 रुपए का, एक्सचेंज कराते हैं। तो अभी मेरे को एक सरदार जी मिले थे, वो मतलब सिंगिंग करते हैं और यहाँ पे ऊपर गुरबाणी भी गाते हैं, तो अच्छा लगा उनसे मिलके। वो बलूचिस्तान के थे, तो उन्होंने अपने चैनल के बारे में बताया, उनका भी चैनल है, मैंने अपने चैनल का भी उनको बता दिया, मतलब नाम दे दिया। यहाँ पे नेट तो चलता नहीं है, वैसे भी बहुत कहीं कहीं पे जाके नेट चल रहा है, कहीं कहीं जाके सिग्नल आ रहा है थोड़ा बहुत, देख सकते हो। अभी हम जा रहे हैं सरोवर साहिब के लिए, तो यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है अपने को, तब आएगा यहाँ पे सरोवर साहिब। और यहाँ पे शायद ये यहाँ का मतलब वो एक रेप्लिका है, छोटा सा मिनी रेप्लिका, कि क्या कैसे बिल्डिंग बनी हुई है, मेरे हिसाब से वही है। ये शायद पाकिस्तान का राष्ट्रपति भवन है मेरे हिसाब से, आई गेस जिस हिसाब से प्रेजेंट कर रखा है वही लग रहा है। ये भी पाकिस्तान का शायद ये बॉर्डर टर्मिनल लिखा हुआ है यहाँ पे, अभी पता नहीं कहाँ का बॉर्डर है, हो सकता है इंडिया का बॉर्डर हो। अब यहाँ पे भी टेरिटरीज वगैरह लिखी हैं, जो भी स्टेट्स वगैरह हैं, यहाँ की सिटी है, जो भी घूमने वाली जगहें हैं, ये अपार्टमेंट्स वगैरह हैं, बढ़िया अच्छा बना रखा है। जैसे कि अभी मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सरोवर साहिब है, यहाँ पे आप लोग स्नान कर सकते हो जब आप आओगे। ये मेल वाला है, यहीं पे एक इस साइड में फीमेल वाला है, तो ये वाला देख लो, ज़्यादा कुछ नहीं है बट देख सकते हो आप।
चलो जी चलो अब चलते हैं, बहुत थक गए हैं यहाँ पे घूमते घूमते, लेकिन मज़ा बहुत आया। बहुत एक यूनिक सा लगा एक दूसरी कंट्री में आके गुरुद्वारे में विजिट करके, अच्छे लोगों से मिलके, गुरबाणी सुन के। इतनी शांति है यहाँ पे, जी कर रहा है कि यहीं पे रह जाऊँ, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंडिया जाना बहुत ज़रूरी है। 4 बजे का लास्ट टाइम है, उससे पहले पहले ये जगह छोड़नी होती है, और पाकिस्तान के हिसाब से 4:30 बजे, उससे पहले यहाँ से जाना है, लास्ट बस जाती है, फिर इंडिया पहुँचना है। देखो बस जा रहा हूँ मैं तो, अब 3 ही बज रहे हैं पर मैं तो अभी जा रहा हूँ। बस आगे वो जोड़ा घर है, वहाँ से अपने शूज़ उठाने और बस जाना है। पीछे देख सकते हो बहुत अच्छा व्यू है, तो जैसे कि देख सकते हो आप, ये एंट्री है, यहाँ से आप एंटर होगे अगर आओगे तो, और यहीं जस्ट मेरे पीछे जोड़ा घर है जिस जहाँ पे आप अपने शूज़ वगैरह रख सकते हो, और यहीं से ये रास्ता जा रहा है। सीधा भी जा सकते हो आप गुरुद्वारे के लिए, नहीं तो इधर से होके भी जा सकते हो, ये भी रास्ता जा रहा है और ये भी रास्ता जा रहा है, तो दोनों रास्ता है। और यहीं से हमें वापस जाना है जहाँ पे हमें बस मिलेगी, ये जो गेट दिख रहा है यहीं से हमें बस भी मिलेगी वापस जाने के लिए। चलो पहले शूज़ पहनते हैं उसके बाद चलते हैं।